हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? तो हम कर रहे थे चैप्टर 8, ठीक है। इसके चार क्वेश्चन हमने किए थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले बेटा, मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। हमें sec थीटा दिया है कितना, 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमने बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो फाइंड करनी है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, टैन थीटा, कोसेक थीटा, ये सब हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे, ठीक है। ये बना ली हमने फिगर, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है sec थीटा इज इक्वल टू, sec थीटा हमें दिया है 13/12, ठीक है। अब हमें पता है कि sec थीटा किसके बराबर होता है, sec थीटा होता है 1/cos थीटा, किसके बराबर, 1/cos थीटा, ठीक है। इट इंप्लाइज sec थीटा हमने दिया है, वी विल फाइंड cos थीटा, हम cos थीटा फाइंड करेंगे, क्या करेंगे फाइंड, cos थीटा। तो cos थीटा होता है 1/sec थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 1/sec थीटा आ गया 13/12, इज इक्वल टू 1 × 12/13, इज इक्वल टू 12/13, ठीक है। तो ये आ गया हमारा cos थीटा, ठीक है। cos थीटा कितना आ गया, 12/13। क्या दिया है हमें, गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। sec थीटा दिया है हमें 13/12, वी विल फाइंड cos थीटा, हमने cos थीटा फाइंड करना है। तो cos थीटा आ गया हमारा 1/sec थीटा, यानी 1/13/12 इज इक्वल टू 1 × 12/13 इज इक्वल टू 12/13, ठीक है, समझ आ गई। तो इसका मतलब, इट इंप्लाइज AB/AC इज इक्वल टू 12/13। अब इसका मतलब है कि AB/AC जो है वो 12/13 है, यानी ये AB है और ये AC, दो दो हमारे पास आ गई, AB आ गई हमारे पास 12 और AC आ गई हमारे पास 13, लेकिन हमें और क्या निकालनी है, BC, ठीक है। हमें क्या फाइंड करनी है, BC। तो लेट, यहां पे लिख देती हूं, लेट AB इज इक्वल टू 12x, मान लेते हैं कि AB कितना है 12x एंड AC इज इक्वल टू 13x, और AC मान लेते हैं 13x है, ठीक है। अब हम लगा लेंगे यहां पर पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, BC, ठीक है। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद हमें क्या मिलता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ठीक है। इट इंप्लाइज हाइपोटेन्यूज कितनी है हमारे पास 13, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। इट इंप्लाइज 13 × 13 = 169 इज इक्वल टू, AC तो हमारे पास है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, तो यहां पर AB आ जाएंगे 12, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी 12 का स्क्वायर, इट इंप्लाइज 169 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस 12 × 12 = 144, इट इंप्लाइज 169 - 144 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर।
अब 169 में से 144 निकालो, 25, इट इंप्लाइज 25 इज इक्वल टू बीसी का स्क्वायर, इट इंप्लाइज बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इट इंप्लाइज बीसी इज इक्वल टू 5, तो बीसी कितनी आ गई हमारे पास 5, कितनी आ गई 5x, ठीक है। अब ये देख लिख लो x, 13x, ये भी x, ठीक है, तो बीसी आ गई हमारे पास 5x। अब हम बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। आप लोगों को समझ आई जहां तक मैंने समझाया है? देखो हमें दिया है sec थीटा 13/12, sec थीटा से हम एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं, वो है cos थीटा, क्योंकि cos थीटा जो होता है वो होता है 1/sec थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा 13/12। अब हम क्या करेंगे, 1 × जब ये उल्टा करेंगे ये 12 ऊपर चला जाएगा, 13 नीचे आ जाएगा, तो आ गया हमारे पास 12/13, ठीक है। तो इसका मतलब AB अपॉन AC क्या है, 12/13, AB हो गया हमारा 12 और AC हो गया 13, लेकिन अभी भी हमारे पास वी आर हैविंग ओनली टू साइड्स, ठीक है, वी हैव टू फाइंड थर्ड साइड। क्यों थर्ड साइड क्यों फाइंड करनी है, इसलिए फाइंड करनी है क्योंकि बिकॉज वी हैव टू फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड वी कांट फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अंटिल वी आर हैविंग ऑल द थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, समझ आ गई। तो हमने क्या किया, ये फॉर्मूला लगा के हमने निकाली बीसी, बीसी निकाली हमने 5, ठीक है, समझ आ गई यहां तक। अब चलो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं। अब साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइड अपोजिट टू एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, इज इक्वल टू साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, कौन सी है, बीसी, ठीक है, बीसी अपॉन एसी इज इक्वल टू बीसी अपॉन एसी, तो बीसी है हमारे पास कितनी 5x, तो एसी कितनी है हमारे पास, एसी है हमारे पास 13x, तो एक्स एक्स कैंसिल हो गए तो आ गया 5/13, कितना आ गया 5/13, ये आ गया हमारे पास साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आप टेन थीटा पे, ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइड अपोजिट टू एंगल थीटा अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा, ठीक है, तो साइन टेन थीटा क्या आ गया, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, टेन थीटा बीसी अपॉन ए बी, बीसी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बीसी अपॉन ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू बीसी कितनी है हमारे पास, बीसी है 5x और ए बी कितनी है, ए बी है हमारे पास 12x, तो हमने ये x x कट किए तो आ गया 5/12, कितना आ गया 5/12, tan थीटा आ गया हमारे पास 5/12। चलो अब नेक्स्ट क्या निकालना है हमने, cosec थीटा, ठीक है, नेक्स्ट निकालना है हमने cosec थीटा, तो cosec थीटा होता है 1/sin थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, कितना है हमारे पास, साइन थीटा है हमारे पास 5/13 इज इक्वल टू 1 × 13/5 इज इक्वल टू 13/5, ये आ गया हमारे पास cosec थीटा, समझ आ गई। अब आ जाओ sec थीटा, sec थीटा तो है, अब cot थीटा, अब cot थीटा होता है 1/tan थीटा, तो 1/tan थीटा कितना है हमारे पास, tan थीटा भी हमने निकाला है 5/12, 1/5/12 इज इक्वल टू 1 × 12/5 इज इक्वल टू 12/5, तो आ गई हमारे पास सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। cos थीटा हमने निकाला यहां पर, ये आ गया cos थीटा, ठीक है, उसके बाद ये आ गया sin थीटा, उसके बाद tan थीटा, sin cos tan, ठीक है, उसके बाद cosec थीटा,
sec थीटा हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है, और ये आ गया cot थीटा। तो सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड कर ली। देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो हमने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो फाइंड कर ली हैं। यही हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है बेटा, आसान है, ठीक है। आप देख लो इस क्वेश्चन को, फिर मैं नेक्स्ट करवाऊंगी। शाबाश। देख लिया, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। साइन इज इक्वल टू 3/4, यानी 3 की और 2 के, ठीक है, ठीक है। कैलकुलेट कॉस ए एंड टैन ए। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमें, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, अगर साइन ए जो है ये 3/4 है, कैलकुलेट कॉस ए एंड टैन ए। हमने क्या कैलकुलेट करना है, कॉस ए और टैन ए, ठीक है। हमारे पास क्या है, साइन ए दिया है हमें 3/4, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। लेट BC is equal to 3K and AC is equal to 4K। यानी वैसे तो हमें पता है कि साइन ये होता है ये हाइट अपॉन, ठीक है, हाइपोटेनोस, यानी तो हमने यहाँ पर 3 लिख लिया, यहाँ पर 4, लेकिन K जो है ये हमने अपने से लगाया है, क्योंकि K लगाएंगे तभी थर्ड वैल्यू जो है वो हमारी निकलेगी, अदरवाइज कैसे निकलेगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर K को यूज कर लिया है, ठीक है। देन माय पाइथागोरस थ्योरम, अब पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद हमें क्या मिलता है, एबी स्क्वेयर इज इक्वल टू एसी स्क्वेयर। एबी स्क्वेयर हो जाएगा एसी स्क्वेयर माइनस बीसी स्क्वेयर। एबी स्क्वेयर इज इक्वल टू एसी स्क्वेयर माइनस बीसी स्क्वायर, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को? क्योंकि यहाँ पर हम हाइपोटेन्यूस नहीं निकाल रहे हैं, जो प्लस आएगा यहाँ पर हाइपोटेन्यूस नहीं, यहाँ पर हम बेस निकाल रहे हैं, इसलिए एसी माइनस बीसी स्क्वायर आएगा। इट इंप्लाइज ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी का स्क्वायर, यानी 4K का स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर, बीसी की 3K का स्क्वायर। इट इंप्लाइज एबी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 4 16K स्क्वेयर माइनस 3 3 9K स्क्वेयर। इट इंप्लाइज एबी स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 में से 9 निकाले कितने हो जाएंगे, 7K स्क्वेयर।
ठीक है, इट इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7k। तो ए बी कितनी आ गई हमारे पास, अंडर रूट ऑफ 7k। ठीक है, समझ आ गई क्वेश्चन की। तो ए बी कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ 7k। चलो अब नेक्स्ट क्या करना है, हमने निकालनी है कॉस ए। ठीक है, यहां निकाल लेते हैं कॉस ए इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी कितनी आई है हमारे पास, अंडर रूट ऑफ 7k। तो इज इक्वल टू ए बी है अंडर रूट ऑफ 7k अपॉन ए सी कितनी है हमारे पास, ए सी है 4k। तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू किसकी, कॉस ए की। किसकी वैल्यू आई हमारे पास, कॉस ए की। ठीक है, अब हम निकालेंगे टैन ए। टैन ए इज इक्वल टू बीसी अपॉन ए बी। बीसी कितना है हमारे पास, बीसी है हमारे पास 3k, और ए बी कितना है, ए बी है हमारे पास अंडर रूट ऑफ 7k। तो ये आ गई हमारे पास टेन की भी वैल्यू। ठीक है, और कॉस और टेन ही हमने निकालने थे, तो हमने दोनों निकाल लिए। ठीक है, तो चलो देखो इस क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट करेंगे। देख लिया, चलो क्वेश्चन नंबर 7। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, एंगल ए एंड एंगल बी, अगर एंगल ए और एंगल बी जो है एक्यूट एंगल्स हैं, सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, इस तरह से कि कॉस ए किसके बराबर है, कॉस बी के। ठीक है, कहता है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। ठीक है, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, शो दैट तब क्या हमने शो करना है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, अब सिंस एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, क्योंकि एंगल ए और एंगल बी जो है ये एक्यूट एंगल्स हैं, ठीक है, देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल सी किसके बराबर है, 90 डिग्री के। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को। कहता है इफ सिंस एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, क्योंकि एंगल ए और एंगल बी जो है ये एक्यूट एंगल्स है, इट इंप्लाइज एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, समझ आ गई ना आप लोगों को। अब कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, अब कॉस ए जो है हमें दिया हुआ है कि कॉस ए कॉस बी के बराबर है। ठीक है, इट इंप्लाइज ए सी अपॉन बी सी, क्या ए सी अपॉन बी सी, ठीक है, ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू
बीसी अपॉन ए बी, ठीक है, ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, ठीक है, इट इंप्लाइज ए सी इज इक्वल टू बी सी, इट इंप्लाइज एंगल क्या, ए सी के बीच में कौन सा एंगल, ए सी के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ए सी इज इक्वल टू बी सी, इट इंप्लाइज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल अपोजिट टू अपोजिट साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड सी के आर इक्वल, एंड प्रूव, तो क्या है ये प्रूफ हो गया, ठीक है, देख लो आप लोग, चलो आप क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4, अगर 3 cot A 4 के बराबर है, चेक वेदर चेक क्या करना है हमने, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आर नॉट, ठीक है, अब कह रहा है इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4, अगर 3 cot A जो है ये 4 के बराबर है, किसके बराबर है, 3 cot A इज इक्वल टू 4, चेक वेदर, चेक करो कि क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो है वो cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के बराबर है या नहीं है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास ए बी सी, ठीक है, अब हमें दिया क्या है, गिवन है हमारे पास 3 cot A इज इक्वल टू 4, क्या दिया हुआ हमें, 3 cot A इज इक्वल टू 4, इट इंप्लाइज cot A, इसका मतलब cot A कितना हो जाएगा 4 अपॉन 3, cot A कितना हो जाएगा 4 अपॉन 3, अब हमें पता है कि 1 tan tan A कितना होता है, tan A होता है 1 अपॉन cot A, ठीक है, इट इंप्लाइज tan A इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, तो हमारे पास tan A आ गया 3 अपॉन 4, कितना आ गया tan A 3 अपॉन 4, ठीक है, इट इंप्लाइज BC अपॉन AB इज इक्वल टू 3 बाई 4, BC अपॉन AB आ गया 3 बाई 4, BC है हमारे पास 3 और AB आ गया 4, ठीक है, इट इंप्लाइज बी सी अपॉन ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू 3 बाई 4, अब हम लेट कर लेंगे, लेट बी सी इज इक्वल टू 3x एंड बी सी 3x है और ए बी है
4x, ठीक है। लेट BC इज इक्वल टू 3x एंड AB इज इक्वल टू 4x। अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये वाली साइड निकालेंगे ना इस स्क्वायर, ठीक है। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम लिखूंगी नहीं, जगह कम हो जाएगी। इट इंप्लाइज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इट इंप्लाइज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इट इंप्लाइज AC स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9। इट इंप्लाइज AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इट इंप्लाइज AC इज इक्वल टू 5। तो AC कितनी आ गई हमारे पास 5। AC कितनी आ गई 5, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को। अब हमें क्या करना है, 3, 4, 5 तीनों आ गई हमारे पास, ठीक है। साइन ए निकाल लेंगे। साइन ए इज इक्वल टू BC अपॉन AC। पहले सबका लिख लेते हैं साइन ए, ठीक है। कॉस ए लिख लेते हैं, कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा हमारे पास AB अपॉन AC। अब हमें यही दोनों चाहिए, साइन ए आ जाएगा BC अपॉन AC यानी 3/5, और कॉस ए आ जाएगा हमारे पास AB अपॉन AC। AB है 4 तो 4/5 आ गई ना तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास। हमें यहां तीनों ही चाहिए। उन्होंने ये नहीं बोला कि सभी फाइंड करो, हमारा जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है उसके लिए हमें साइन कॉस और टैन की ही जरूरत है, हमें कोसेक या आगे जाके उनकी कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हमने निकाल ली तीनों, टैन ए निकाला ना हमने, टैन ए हमारा आ गया 3/4, टैन 3 आ गया 3/4, साइन आ गया 3/5 और कॉस आ गया हमारे पास 4/5। अब हमने चेक करना है कि क्या 1 - tan² a / 1 + tan² a जो है वो cos² a - sin² a के बराबर है या नहीं है, ठीक है। हमें क्या चेक करना है वो हमें देखना है, ठीक है। अब चलो एक साइड पे ले लेंगे हम यहां पे हम ले लेते हैं 1 - tan² a / 1 + tan² a, 1 - tan² a / 1 + tan² a, यानी हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, ठीक है। LHS इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यूज पुट करेंगे, इक्वल टू 1 + tan² a। tan a कितना है हमारे पास, tan है हमारे पास 3/4 यानी 3/4 का स्क्वायर। वन माइनस थ्री थ्री जार नाइन अपॉन सिक्सटीन इज इक्वल टू सिक्सटीन आ गया सिक्सटीन प्लस नाइन, ठीक है। इज इक्वल टू 16 में से 9 निकाले तो कितना गया, कितने आए 7 अपॉन 16 अपॉन, ये कितना 16 और 9, सेवन अपॉन 16 इंटू 16/25, तो ये 16 16 चले गए तो आ गया 7/25, तो कितना आ गया ये 7/25, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई हमारे पास 7/25। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास cos² a - sin² a, तो cos a की वैल्यू क्या है 4/5,
का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर 3/5 का स्क्वायर, 4 4 16/5 5 25 माइनस 9/25 इज इक्वल टू 25 ले लिया, 16 माइनस 9 कितने आए 7/25, ठीक है। तो अब क्या हो गया, LHS आ गई हमारे, therefore LHS is equal to RHS। अगर LHS RHS के बराबर आ गई तो इसका मतलब ये जो है ये इसके बराबर है, ठीक है। तो इन्होंने बोला चेक करो कि क्या 1 - 10² ए अपॉन 1 + 10² ए जो है वो cos² ए - sin² ए के बराबर है या नहीं है। तो हमने चेक कर लिया तो दोनों सेम आए, हमारी लेफ्ट हैंड साइड यानी 1 - 10² ए अपॉन 1 + 10² ए, ये जो है ये आया 7/25 और इसको चेक किया जब हमने तो ये भी आया हमारा 7/25। तो इसका मतलब हमारी दोनों साइड जो है ये बराबर है, ठीक है। देख लो ध्यान से, शाबाश, ठीक है। तो समझ आ गई आप लोगों को, देख लो एक मिनट। तो आज हम यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट टाइम कॉल करेंगे। थैंक यू।